हो गए फैक्ट्री वाले तो वो होते नहीं है, एक आध दो फैक्ट्री वाले होते हैं जिससे वो ट्रेडिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं यार, चंद पैसे के लिए, कुछ पैसे के लिए वो लोग इतना नहीं समझते हैं कि वो लोग जो है दूसरा लोग कहाँ से पैसा लाता होगा। आपके बारे में वो बिल्कुल भी समझेंगे नहीं कि आप पैसा कहाँ से लाते होंगे, किस जगह से लाते होंगे, लोन लेते होंगे, कर्ज देते होंगे, क्या करके लेते होंगे, कभी नहीं समझते। उनको बस प्रॉफिट होना चाहिए। यार आप जिस सिचुएशन में अभी हो, लोन लेने के बाद, कर्ज लेने के बाद, किसी से लेने के बाद, उससे भी बदतर सिचुएशन आ जाएगा तब जब आपका बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा, जब आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो दोस्त मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले विजिट करो कंपनी को, कंपनी के बारे में जानो, और कंपनी के बारे में जानने से पहले अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उससे पहले एक काम करो कि उस बिजनेस के बारे में पता करो आप कि वो बिजनेस सही में चलने वाला है। दोस्तों इस मशीन में खास बात यह है कि आप एक इसमें स्लाइडर दिया होता है, स्लाइडर देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है स्लाइडर, इसको हम बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि इधर देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है डाई, इसमें आप डाई भी चेंज कर सकते हो। इसमें स्लाइडर रखा हुआ है, इसमें आप हर तरह का डाई चेंज कर सकते हो, जैसे स्टील या भी ब्रश का डाई लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें आप ब्रश डाल के पैक कर सकते हो, ब्रश पैक हो जाएगा आपका। इसी में आप मसाला पैक कर सकते हो, इसी में आप ड्राई फ्रूट पैक कर सकते हो, इसी में आप स्टील स्केलर पैक कर सकते हो। 100 प्रोडक्ट इसमें आराम से पैक हो जाने वाला है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे स्टूल लगा लेना है या फिर कुछ चेयर लगा देना है और बस इसको पुश करना है अंदर की तरफ। अभी मैं आपको मशीन ऑन करके दिखाने वाला हूँ, मशीन एक बार ऑन करना। इस मशीन में क्या क्या खासियत है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे बेस्ट मशीन मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है अभी के हिसाब से मेरे पास। ये सबसे बेस्ट मशीन और कम इन्वेस्टमेंट में सबसे बेस्ट मशीन है, जो कि आपको ये 1 क्विंटल 60 kg प्लस का मशीन है। ये यहाँ पर देख सकते हो मीटर ऑन हो चुका है। ये हम लोगों ने डाई निकाल दिया। इसमें क्या करता है, ये ऑफ ऑन का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे एक टाइमर दिया हुआ है। ये मात्र 15 मिनट में आपका मशीन हीट हो जाएगा। इसमें क्या हमने 30 सेकंड टाइम सेट कर दिया है। अगर आपको जल्दी मशीन निकालना है तो अपने हिसाब से आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड सेट कर सकते हो। अभी हमने 30 सेकंड कर दिया है और 30 सेकंड होते ही ये मीटर जो है तो ऑटोमेटिक बीप करना शुरू कर देगा। इट्स मीन व्हाट कि आपका पत्ता बन के रेडी हो चुका है, आप निकालो। अब देखो इसे हम प्रेस कर रहे हैं। ये प्रेस करते ही देख सकते हो 30 सेकंड हुआ, 30 सेकंड होते हैं ये बीप करना शुरू कर दिया कि आपका पत्ता बन के रेडी हो चुका है। आप आराम से इसको निकाल सकते हो। इसको अंडा डालना है और बाहर निकालना है, कुछ भी नहीं करना है इस मशीन में। बहुत ही बेहतरीन मशीन है सर, अगर बिजनेस करना चाहते हो लो इन्वेस्टमेंट में और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के साथ साथ। इस मशीन में क्या खासियत है कि आप इसको जो है सो लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर हम आप दुनिया से चले जाएंगे इस मशीन में कुछ भी नहीं होगा। इस हिसाब से इस मशीन को बनाया गया है कि इस मशीन में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। इस मशीन में अगर कभी इन फ्यूचर इस किट में, इस बॉक्स में, डिजिटल पैनल में कभी भी थोड़ी भी कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस ट्रैवलिंग खर्च जो होता है हमारे स्टाफ को देना पड़ेगा। आपके घर पे ये पहुंच के ऑपरेट करके सब कुछ ठीक करके आएगा। बाकी इसमें हम 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। 5 साल में कभी कोई दिक्कत आता है तो हम यहाँ पे बैठे हुए आपका जरूर हेल्प करेंगे हर चीज से। अगर आप लूज माल लेना चाहते हो तो लूज माल भी आपको हमारे यहाँ से ब्रश अच्छा खासा रेट में मिल जाएगा। हर टाइप का ब्रश मिलने वाला आपको हमारे यहाँ से, हर टाइप का। बात करें हम लोग ब्रश का, बात करें ब्लिस्टर का, तो ब्लिस्टर के हमारे पास इतने सारे वैरायटीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी। देख सकते हो दोस्तों हर टाइप की वैरायटीज मिल जाएगी जो कि आपको मॉल में मिल जाएगा देखने को। ये सब चीज़ आम जो फैक्ट्री वाले होते हैं उनके पास ये सब चीज़ नहीं होता, बट हमारे पास लगभग 15-20 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होगी, मतलब ब्लिस्टर की, जो आपको अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग क्वालिटी की मिल जाएगी। अगर अपने नाम से ब्लिस्टर छपाना चाहते हो, अगर अपने नाम का ब्लिस्टर बनाना चाहते हो, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल मिलेगा आपको। ब्लिस्टर में आपको हर टाइप का ब्लिस्टर मिल जाएगा, टूथब्रश का ब्लिस्टर मिल जाएगा, दिखा सकते हैं इधर। सर मैंने थोड़ा थोड़ा सैंपल रखा है यहाँ पर दिखाने के लिए आप लोगों को। बाकी हमारा स्टॉक उधर है, हमारे जो गोडाउन से आगे, हमारे जो फैक्ट्रिया है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियोस में। और अब बात करते हैं कि अगर आप मशीन लेके ग्रीन पे ट्रैक करना चाहते हो तो उसकी बैंड सिलर मशीन ये होती है। इसमें आपको 3-4 मॉडल मिल जाएगी, SS की मिल जाएगी, MS की मिल जाएगी, और भी बहुत सारी मॉडल्स मिल जाएगी जिसको आप कर सकते हो। इस मशीन में आप लगभग जो है मसाला, ड्राई फ्रूट, टूथब्रश, मसाला पैक कर सकते हो, चाय पत्ती पैक कर सकते हो, इसमें ग्रीन पैड पैक कर सकते हो, सर्फ पैक कर सकते हो, साबुन पैक कर सकते हो, चाय पत्ती पैक कर सकते हो, मखाना पैक कर सकते हो, सोयाबीन पैक कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ जो इसमें आप पैक कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग से इसमें पैकिंग होती है। दोस्त बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। अगर आप कहीं और से मशीन लेके फंस चुके हो, अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है या फिर आपको रॉ मटेरियल महंगी बताई जा रही है, तो आप हमसे संपर्क करें। आपको 24/7 आपका कॉल आएगा, आपका कॉल पिक होगा, आपका कॉल पिक भी होगा और आपको रिस्पांस भी दिया जाएगा। हमारे पास सारा रॉ मटेरियल होता है, जैसे स्टील स्क्रबर हमारे पास लूज मिल जाएगा, शीट मिल जाएगा, शीट में आप बहुत सारे शीट हमारे पास ऐसे मिल जाएंगे। शीट दिखाना, टूथब्रश का शीट लाइएगा और मसाला का, ड्राई फ्रूट का शीट लाइएगा। जैसे कि शीट्स देख सकते हैं हमारे पास, शीट्स जो है हर टाइप में शीट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मसाला का हो गया, ये अभी राठौर साइंस से हो गया, देखो ये भी मसाला का हो गया, ये भी टूथब्रश का शीट हो गया, ये आपको स्टील स्क्रबर का शीट हो गया। आपको हर टाइप का शीट हमारे यहाँ अवेलेबल मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से ब्रांड बने, आप अपने नाम से प्रोडक्ट छापो, अपने नाम से प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करो, तो उसके हिसाब से आप हमें कॉल करो, आप हमारे पास आओ। अगर आपको ज़रूरत है उस चीज़ की तो वो सीट भी आपको हम बना के देंगे, आपके नाम से प्रिंट करके देंगे। बस आपको क्या करना होता है, उसकी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी रेंज पे आपको हम सारा प्रोडक्ट पैक करके आपके नाम से प्रिंट करके देंगे। और दोस्तों कभी भी कोई भी मशीन लेकर अगर आप फंस चुके हो, अगर आप घबरा रहे हो कि अगर वहाँ माल नहीं मिला तो कहीं और भी नहीं मिलेगा, तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है आपको, मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग को, आपके काम को बंद करने का, कि आपको रॉ मटेरियल
नहीं मिलता है और आप थक जाते हो, सोचते हो कि मेरा काम नहीं चल पाएगा और बंद कर देते हो। तो कभी भी दोस्तों अगर कोई भी आदमी फंस चुके हो किसी मशीन को लेके या फिर मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हम तक इस बात को जरूर पहुंचाओ, हम आपकी सहायता हर तरफ से करने के लिए रेडी है। और या भी रॉ मटेरियल हो या फिर मशीन में प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ से, हर चीज़ से आपका हेल्प हमारी कंपनी आपको करेगी। हमारी कंपनी राठौर एंटरप्राइज मुजफ्फरपुर बिहार में है। मुजफ्फरपुर बिहार में आप आके हमें एक कॉल करो या फिर हमारे किसी कस्टमर से कॉल करके, हमारे जो भी इंप्लॉइज है उनको कॉल करो, वो आपको लोकेशन सेंड करेंगे। आपके पास आपको पोछा बनाने वाली मशीन मिल जाएगी, हमारे पास आपको वेट क्लियर मशीन मिल जाएगी। वेट क्लियर मशीन इसमें वर्ड की काम क्या होता है कि अगर आप चाय पत्ती पैक कर रहे हो, अगर आप हल्दी पैक कर रहे हो, अगर मसाला पैक कर रहे हो, मतलब मिर्च पैक कर रहे हो, कुछ भी पैक कर रहे हो, तो अगर हाथ से आप डालते हो तो वजन कितना जाता है नहीं जाता है, वो नीचे गिरता है ऊपर गिरता है, उसका कोई गारंटी नहीं होता। इस मशीन में क्या होता है, इसमें आप डालोगे और वजन 100 ग्राम तक, इसमें आप 100 ग्राम, 25 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम जो भी पैक करना हो इसमें आराम से आप एक बॉक्स में फिल कर सकते हो। देख सकते हो दोस्त यहाँ पे फिल किया हुआ, मेरे पास बहुत सारी क्वालिटीज यहाँ पे रखी हुई, देखो जैसे हम लोगों ने पैक करा था सैंपल के लिए, इसमें आराम से आप फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद ये बैंड स्लैम मशीन का क्या काम होता है, इसमें आप डालते ही आराम से ये बाहर निकल जाएगा आपको। इसी मशीन से आप ग्रीन पैक पैक कर लोगे, इसी मशीन से आप जो है सो मसाला चाय पत्ती सब कुछ पैक कर सकते हो। अब बात करते हैं पोछा मशीन के बारे में, तो पोछा मशीन में आप इस मशीन से आप वाइपर बना लोगे, इसी मशीन से आप पोछा बना लोगे। इसका सारा रॉ मटेरियल जो है आपको हमारे यहाँ मिलने वाला है। इसका रॉ मटेरियल जैसे देख सकते हो हमारे पास इस टाइप का पोछा का प्रोडक्ट होता है, इस टाइप से इसका जो भी आता है मतलब रॉ मटेरियल्स आते हैं आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। इसके पाइप्स होते हैं, पाइप्स भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। जो भी इसका किट होता है वो भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। डाई की बात करते हैं, अगर आपको दोस्तों डाई चाहिए होता है तो डाई भी आपको हमारे यहाँ हर चीज़ का डाई अवेलेबल है। अगर आपके पास डाई नहीं है, अगर आप बोलते हो कि मैं डाई की प्रॉब्लम है आपके पास, तो डाई हमारे यहाँ से आप ले जाएं। हमारे यहाँ हर टाइप की डाई आपको मिलने वाली, चाहे वो गर्म मसाले की हो, स्टील स्क्रबर की होगी, टूथब्रश की होगी, मसाला की होगी, ड्राई फ्रूट की होगी, हर चीज़ का डाई आपको मिलने वाला है हमारे पास। तो दोस्त अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आते हो, ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, तब आप ये ऑटोमेटिक लो। देख सकते हो कि मेरी हाइट 6 फीट है और ये 6 फीट से भी ऊपर की मशीन है। इसका वेट लगभग 2.5 क्विंटल के करीब है। इस मशीन में आपको सारा, इसमें कंप्रेशर आता है, जो कंप्रेशर आपको आएगा 10,000 का। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटा सा मशीन बना लेते हैं ऑटोमेटिक, बोलते हैं कि 25,000 में दे देंगे, 30,000 में दे देंगे। अरे भाई कंप्रेशर ही आता है 10,000-15,000 में, कंप्रेशर आता है तो आप 25,000 मशीन कहाँ से दे दोगे? सोच के देखो दोस्त, वो चाइनीज कंप्रेशर होता है और किसी काम का वो कंप्रेशर नहीं होता है, पहला चीज़ तो वो। दूसरा, उस मशीन में कोई पावर नहीं होता, वो पूरी चादर की मशीन होती है। हमारे मशीन में वजन होता है, आप हमारे पास आओगे, इसको वेट करो, वजन करो, उठा के देखो कि हमारे मशीन में कितना वजन होता है। इस मशीन से आप स्टील स्क्रबर, ग्रीन पैड, मसाला, ड्राई फ्रूट, टूथब्रश, बच्चा का खिलौना, काजल, बहुत सारा चीज़ जो होता है पैकेजिंग का, वो आप पैक कर सकते हो। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। कंप्रेसर यहाँ पे ऑफ ऑन का बटन दिया हुआ है, ये सारा ऑटोमेटिक काम करेगा। अप करना, डाउन करना, सारा ऑटोमेटिक ये काम करेगा। इसमें स्लाइडर दिया हुआ, चक्का दिया हुआ, डबल साइड से ही आप इसको ऑपरेट करोगे। जिधर सिंगल एक डाई इधर हो गया, एक डाई उधर हो गया, दो लोग इसको एक बार में काम कर सकते हैं। जैसे कि एक बार कंप्रेसर नीचे जाएगा, फिर आप दूसरा डालना, फिर उधर से आपका बाहर निकलेगा, फिर वो डालेगा, मतलब इसमें आपका प्रोडक्शन जो है सीधे दुगुना हो जाता है प्रोडक्शन। तीसरा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है सो इतना नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट बड़े का नहीं है, तो आप छोटा ले सकते हो। छोटे में हमारे पास देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास एक मॉडल आती है, जो कि ये आपको मॉडल मिल जाएगी मैनुअल में, ठीक है ना, मैनुअल है छोटी मशीन। ये भी अभी क्या हो रहा है कि सर चाइनीज मशीन आपको मतलब मिल रहा है, चाइनीज मशीन मिल रहा है, लोग कहते हैं कि हम आपको 18,000 में चाइनीज एक मशीन दे रहे हैं, 20,000 में दे रहे हैं, 15,000 में मशीन दे रहे हैं। दोस्तों उस मशीन में वेट नहीं होता है, वो 10 किलो 15 किलो का मशीन होता है, तो वो मशीन आपका क्या वर्क करेगा? वो एक्चुअली टी शर्ट प्रिंट करने वाली मशीन होती है, जो कि किसी काम की मशीन नहीं होती है वो। तो अभी लोग गुमराह कर रहे हैं। आपको एक बात बताओ दोस्तों कि हमारा मशीन लगभग 1 क्विंटल 20 kg का मशीन है, छोटा सा मशीन। इसमें वजन इतना है कि आप खुद आओगे, दो आदमी से भी ये मशीन नहीं उठेगा, और उस मशीन को सिंगल आदमी एक हाथ से उठा देगा, जिसका वजन मतलब 15 किलो 20 किलो होता है। तो इस मशीन में वेट इतना क्यों, आखिर आपने कभी सोचा इस चीज़ को? मशीन में वेट इसलिए होता है कि ताकि आप प्रेशर इस पर अच्छे से डाल पाओ, और प्रेशर पड़ने के बाद अच्छा सा इसमें चिपकेगा और फिनिशिंग आएगा। जब तक इसमें प्रेशर नहीं डालोगे और फिनिशिंग नहीं आएगा, तो मार्केट में आपका सेल नहीं हो सकता है माल। अगर बाय द वे एक बार कस्टमर आपसे ले भी लेता है तो वो माल छूट जाएगा, और दोबारा उस कस्टमर को अगर आप सही माल भी देने जाते हो तब भी वो कस्टमर आपसे माल नहीं लेंगे, जबकि आपको पता है कि मेरा माल इस वक्त बढ़िया है माल, और तब भी आपसे वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि एक बार भरोसा खत्म हो चुका है। अब बताता हूँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के दूसरी चीज़ के बारे में। हमारे पास पैक किया हुआ रॉ मटेरियल आप लेना चाहते हो, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमको फोम पैड चाहिए, मसाला का पैक किया हुआ चाहिए, जैसे ग्रीन पैड चाहिए पैक किया हुआ, तो ये भी आप हमारे यहाँ से पैक किया हुआ ले सकते हो। क्योंकि अगर क्या होता है दोस्तों, बहुत लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने क्या करा है कि उनके लिए पैक किया हुआ माल भी हमारे पास अवेलेबल होता है, ताकि वो पैक करके मार्केट में सेल कर ले, और फिर उनको लगे तो आप इन्वेस्ट करके अपना काम स्टार्ट कर पाए। बहुत सारी कंपनी वाले क्या कहते हैं कि पहले आप मेरे यहाँ से मशीन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ से हर तरफ से आपका हेल्प करने के लिए रेडी है। आप हमारे यहाँ से पैक किया हुआ भी माल ले सकते हो,
आप किसी भी कंपनी को ये बोलो कि सर हमको पैक किया हुआ माल पहले चाहिए, फिर आप बना के फिर बेच के आपको माल देंगे, फिर जाके मशीन लेंगे, तो वो मना कर देंगे। हमारे यहाँ से आपको पैक किया हुआ माल मिलने वाला है। पैक किया हुआ माल में आपको स्टील स्क्रबर का मिल जाएगा, मसाला का मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट का मिल जाएगा, टूथब्रश का मिल जाएगा, ग्रीन पैड का मिल जाएगा, फोम पैड का मिल जाएगा। हमारे पास हर टाइप के स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं।